गाइस फाइनली आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाई अपनी लव मैरिज के बारे में कि क्या था हमारा सीन, कैसा था। भाई मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे हर मतलब मैक्सिमम वीडियोस में कमेंट्स आते हैं कि भाई आप प्लीज डिस्कस करो कि आपकी लव मैरिज कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगा कि हमारी लव मैरिज भाई कैसे हुई है, क्या क्या चीजें हुई, कब हुई। तो प्लीज व्लॉग में लास्ट तक बनी रहिएगा, तभी चीजें समझ में आएगी, पता चलेगा आप लोगों को। That I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Hey, good morning everyone. तो कैसे सभी मेरे यार दोस्तों, आप सब बड़े होंगे, मस्त होंगे, फुल ऑन मजे मार रहे होंगे। आप सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है, मस्त हैं और फुल ऑन मजे मार रहे हैं। भाई ये देखो मैं और परी भाई सुबह सुबह उठ चुके हैं। रात को हम दोनों की हुई थी चंपी, इसलिए भाई हम दोनों के बाल लग रहे हैं ऐसे ऐसे ही लग रहे हैं परी के। और परी भाई अभी मैंने सो के उठाई है, उठती नहीं है, रात को तो लेट सोएगी और भाई सुबह उठेगी नहीं, आंखें नहीं खोलेगी, बात कर लेगी, आंखें नहीं खोलती, जब लाइट ऑन होती है जब आंखें खोलती है। क्या बोला तूने? वरना इतनी आंखें नहीं खोलती है। सबको बोल दो, जय जय तो बोल दो। ये वेरी गुड। तो भाई अब जाएगी परी स्कूल, मम्मी गई हुई है मंदिर क्योंकि आज है मंडे, और नीतू और कर रही है बाहर काम, पापा आ चुके हैं, पापा शायद अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा था पापा का पूरा डेट शेड्यूल चेंज हो चुका है, तो पापा अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो मिलवाते हैं, चलो सबसे बाहर। बस हो गई जय जय, हो गई लड्डू राम। तो चलो गाइस मिलवाते हैं सबसे। तो गाइस हमारे बीच पधार चुकी है नतीशा मैडम। गुड मॉर्निंग नतीशा जी। गुड मॉर्निंग। तो अभी आप कैसे हैं? अच्छी हूं। बढ़िया, मौज आ रही है। तो नतीशा जी आज खाने में क्या बनाया आपने? पत्ता गोभी। अच्छा ये बता यार, तेरी बेटी सोने में तेरे ऊपर गई है, तेरे और मम्मी के ऊपर गई है, मतलब रात को ये सोती नहीं है। अब सुबह पता है इसकी क्या हालत थी? इसकी आंख नहीं खुल रही थी बिल्कुल भी, मैंने जबरदस्ती इसको उठाया, परी 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 लाइट ऑन करी, जब जाके उठी है। मेरी बेटी आप ही गई है सोने में, दो मिनट में तो उठ के बैठ जाती है, वो जरा सा शोर सुनते ही। तो अच्छी बात है ना, ऐसी नींद होनी चाहिए, घर में चोर घुस जाए तो फटाफट उठ के बैठ जाए। तो समझी? मेरे पे नहीं, आप पे गई है। मेरे पे गई है? अच्छा जब ही इतनी स्मार्ट है वो, अगर तेरे पे जाती तो क्या होता है। पर नीतू है ना, उठो भाई चलो। चलो भाई परी का हो गया भाई ब्रेकफास्ट टाइम, अब माचेगा हमारे घर में घमासान, क्योंकि परी भाई आप सबको पता है भाई दूध की नखरेबाज है, तो दूध ये पीती नहीं है। अब वो देखो उधर, अब यहाँ से हो जाएगा घमासान स्टार्ट, क्योंकि इसकी माँ पिलाएगी इसको भाई दूध, और वो पी के राजी नहीं भाई। तो चलो भाई मम्मी आएगी तो मम्मी से मिलवाता हूँ, और पापा बाहर देख रहे हैं टीवी एज यूजुअल। तो यहाँ से दिखा देते हैं कि ये देखो, अभी तो है ही नहीं पापा बाहर। पापा कहाँ गए बाहर? पापा तो बाहर टीवी देख रहे थे, रूम में गए हैं। तो चलो भाई पापा गए रूम में, मम्मी के आने के बाद मम्मी से मिलवाते हैं। और ये आ चुकी है भाई हमारी न्यू मेड, ये दिख रही होंगी आपको। अच्छी हमारी नहीं है। और टाइम हो चुका है भाई सुबह 8:05। तो गाइस दिखा देते हैं बाहर का मौसम, बहुत ही प्यारा है सुबह सुबह का यार, मतलब जिस दिन सुबह जल्दी उठता हूँ ना मेरे को ऐसा लगता है भाई जन्नत सी आ गई, क्योंकि इतना प्यारा मौसम यार सुबह सुबह, ये देखो इतना प्यारा, मतलब बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम, बिल्कुल भी गर्मी नहीं, बारिश का सा मौसम है। और टाइम हो चुका है भाई सुबह का 8:05। आज मैं जल्दी उठ गया था, जल्दी क्यों उठ गया था क्योंकि गाइस मैं आजकल दे रहा हूँ भाई पापा की डाइट पर थोड़ा सा ध्यान, तो चीज़ें भाई मेरे को करनी होती हैं, तो इसलिए मैं जल्दी उठ जाता हूँ, और मेरे साथ साथ परी भी उठ जाती है, फिर परी उठती नहीं है, परी को उठाना पड़ता है। तो गाइस उधर देख रहे हैं पापा टीवी, और इधर आ चुकी है हमारी मम्मी गौरी मैम। गुड मॉर्निंग मम्मी। कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? मेरे को तो इतनी याद आ रही थी आपकी, सुबह मेरे उठती मैं, मेरी मम्मी दिखी नहीं, मैंने आंखें ही नहीं खोली अपनी। मंदिर गई थी तो उठ रहा था, तो ये भी कह सकता था चलो मम्मी मैं ले चलूं। तो थोड़ी पहले या तो उसमें चला लो, या फिर इधर बोल लो तेज, एक ही चीज कर लो। और उसमें जान का और मार रही है, उसमें जान का ना और मार रही है, कि किस तरीके इसमें आवाज आ जाए कुछ भी। हे भगवान, कैसे सिखा इन लोगों को। उठ रहा था तो तू कह सके था। मैं तो उठा ही नहीं ना, मैं तो जब उठा जब मुझे अब दिखी नहीं, मैं तो आंखें ही नहीं खोली इसलिए कि मेरे को मम्मी नहीं दिख रही, तो मैं आंखें नहीं खोल रहा, जब मम्मी दिखेगी तब आंखें खोलूंगा। कहाँ चली गई थी आप? मंदिर। बहुत याद आ रही थी मुझे आपकी, ऐसे मुझे छोड़ के मत जाया करो। परी मम्मा को बाय कर दो फटाफट से। भाई परी आ चुकी है अपनी ड्रेस पहन के आज, क्योंकि आज है मंडे। चलो बाय नीतू, बाय 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 बाय, मिलते हैं ठीक है। हमारे बीच पधार चुके हैं डुगू महाराज जी, और डुगू महाराज जी अभी लड़के आए अपनी मम्मा से, क्यों चॉकलेट के ऊपर बोला स्कूल नहीं जाऊंगा, चॉकलेट नहीं दी तो। डुगू ऐसा क्यों भाई? जेब खाली है। हैं? हैं क्या? अगर चॉकलेट नहीं दोगे स्कूल नहीं जाओगे? हमारे टाइम पे मम्मी पापा चॉकलेट भी नहीं देते थे, और तोड़ते अलग थे अगर स्कूल की मना कर दी तो। अरे तुम्हारे तो बहुत मजे है, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, मौज हो जाती, तुम्हें तो डेली कुछ ना कुछ मिलता है खाने को नया, समझ रहे? तो अब गल से ऐसे जिद नहीं करनी ठीक है। तेरे मम्मा ने कहा था ना डांटने के लिए, पर मैं तेरे को इसलिए नहीं डांट रहा हूँ ठीक है, कल से जिद नहीं करनी बिल्कुल भी।
तो भाई ये इनकी ऑल टाइम लड़ाई की चक्कर रहता है इसका और भाई साहब का चूहे बिल्ली की तरह ना, ये दोनों लड़ते ही रहे, पता नहीं इनमें दोनों में किए आपस में। तेरे से ज्यादा कौन लड़ेगा भाई? यो अपना अपने भाई हमेशा मैं गुजर गुजर, ये भाई साहब अपना ईयरफोन के वो दिखाते रहे भाई, केक काटो जिसका बर्थडे है भाई, आज है बाला का बर्थडे, ये रहा बाला भाई, बाला का बर्थडे है और बाला के लिए केक आया है। चल बाला फटाफट आ जा जल्दी, बाला बाला का बर्थडे लेकिन पहलवान केक से लगा भाई, कैसे करके मानोगे, सारी लगाओगे कैंडल? बाला जल्दी बैठ, काट दे बाला फटाफट। भाई साहब भाई साहब की खुशी अलग है। अरे यार इतने आदमी खड़े, ताली बजा के बजा लो। वाला अपने साइड में काट रहा है, मगर चीज बड़ा मैं खा ले। पालन कर रहे मेरे पे यार, खिला ले रहा है हमने भी गरम करके लाया, थोड़ा थोड़ा ग्लेवर में जाने वाला। हैप्पी बर्थडे भाई बाला, मुबारक हो बहुत बहुत। सर को खिला पहले। तो गाइज मैं आ चुका हूँ एक बार फिर से आप लोगों के लिए भाई एक मज़ेदार गेम लेके, ये गेम ही है ना, समझ गए ना, तो बने रहना भाई। जो भी भाई मेरे प्रैंक में नए हैं वो फटाफट से मेरे चैनल को लाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि भाई जो आज होने वाला है ना मज़े आ जाएंगे, अमेजिंग रिएक्शन मिलेंगे, रिएक्शन तो ऐसे मिलेंगे कि एक नंबर के। तो मैं सबसे पहले समझा देता हूँ मम्मी को और नीतू को कि गेम है क्या, और जो भी इस गेम को जीतेगा, जीतने वाले को मिलेगा भाई 1000 रुपीज़ का प्राइस, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ और मैं देता भी हूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा भाई, दोनों के आंखों पे पट्टी बन चुकी है, दोनों के दोनों भाई मैंने बना दिया दिलीप ट्रस्ट और गांधारी, क्योंकि भाई मैं इनको खिलाने वाला हूँ एक अमेजिंग सा गेम, इसीलिए भाई मैंने इनको पहले पट्टी बांध दिया, उसके बाद अपने सारे आइटम ला के रखे हैं। गेम क्या होने वाला है कि भाई इनको है ना ये बतानी है कि कौन सी चीज़ क्या है, और जो सही बताएगा, ये है 1 2 3 4 5 6 6 चीज़ें हैं, तो 6 में से जो चार आंसर जो सही दे देगा ना उसको मिलेंगे 1000 रुपीज दोनों में से। तो गाइस करें अपना फटाफट से स्टार्ट गेम। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मम्मी से या नीतू से? नीतू से करेंगे सबसे पहले, नहीं मम्मी से करते हैं, मम्मी से करते हैं, हमेशा नीतू से स्टार्ट होता है तो मम्मी जीत जाती, तो इस बार करेंगे नीतू से सबसे पहले या फिर मम्मी से, बताओ जल्दी बताओ। मम्मी से करते हैं, चलो गाइस कोई इतना मैशअप नहीं करते, मम्मी से स्टार्ट करते हैं और जो जीतेगा उसको भाई पैसे तो जरूर मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये, मैं इस गेम में नहीं हूं आज, स्मेल करो और बताओ ये क्या है। ये तो सिरका सर का पता है। अच्छा जी एक तू स्मेल करो और तू बता क्या है। ये केचप टाइप सॉस टाइप, केचप टाइप कुछ है। नाम बताओ, टाइप टू भी नहीं बताना, नाम बताओ नाम। दोबारा सुनाओ। चलो भाई एक चांस और मिला, ये लास्ट चांस है तेरा, ठीक है? अबे क्या घुसाएगी ना किसमें, बताना जल्दी। मेरे को तो सॉस टाइप लग रहा है, ये नहीं पता कौन सी है, केचप है कौन सा सॉस। ठीक है, हार गए जीरो, अभी तक दोनों का 0-0 हो चुका है। अब आते हैं अभी उस पे, अभी बताओ ये क्या है। चॉकलेट हो। दोबारा सुनो, एक चांस और दिया, तू भी सुन। चॉकलेट का ही तो है, वो है पीनट बटर। सही, चॉकलेट का क्या है, पीनट बटर है मम्मी। 1-0 सॉरी तेरे हो गए 2-1 और आपके 2-0। चलो गाइस अब आते हैं अपने अगली उस पे, तो लो मम्मी बताओ ये है चॉकलेट का वो ना। अरे आपको स्मेल से समझ नहीं आ रहा कि क्या है ये? अच्छा वो है जैम ही तो शायद। फिर चल रही तो तू हारी इसमें, मम्मी ने से पहले जवाब दिया, तो ये है जैम। क्या हुआ, मुझे स्मेल ही नहीं कराया था, तो स्मेल कराया तो है। अच्छा चल ठीक है, अभी ये बताइए क्या है, थोड़ा दूर करो, ये जैम है। ठीक है, 3 नीतू का हो गया 3-2 और मम्मी का हो गया 3-1। अब आते हैं गाइस अपने अगले उस पे, बताओ ये है चॉकलेट का वो। मम्मी आपने कभी चीजें नहीं खाई क्या? भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी तू बता, लाओ तो सही पास बता। पास ही नहीं ला रहे, शायद स्मेल ही नहीं आ रही मुझे। पास तो है, देखने की कोशिश मत कर। देख नहीं रही, स्मेल नहीं आ रही मुझे सच में, नाक के पास लाओ।
तो तू तो नाक घुसा देती, झूठा कर देती इसको नाक से। ये वो है कॉफी। सही है भाई, जीतने के चांसेस ज्यादा है आज इसके। चलो भाई, मम्मी आप तो 4-1 पे चल रही हो, तो तेरा 4-3 पे आ गया। बात ये है, ये सारी चीज यूज कर रहे इसने, पता है इनके। अब बताओ, ले स्मेल कर। चाइना रे। दोबारा सुनो, मुझे भी नहीं है कुछ भी, मेरे को यहाँ तक आ रही और तुम लोगों को नहीं आ रही, तो आप स्मेल करने दोगे तभी तो पता नहीं। नहीं, नहीं पता चल रहा क्या है। ठीक है गाइस, आप लोगों को दिख गया ये क्या है। अब मम्मी को कराते हैं स्मेल पहले, फिर उसके बाद भाई नीतू की गर्ल लास्ट है ये। मम्मी आप बताओ, ये है कॉफी का वो। ठीक है, ये है कॉफी का जो मम्मी ने बताया। अब है नीतू की टर्न। ये तो, ये बता क्या है। हुँ? ये बता क्या है। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। बदबू आ रही है? नहीं बता तो ठीक है। अरे सच में बहुत गंदी वाली बदबू आ रही है। छी। अरे छी क्या, बता तो क्या है। एहे, क्या? मुझे हटाओ ना, हटा लो ना, ना बदबू आ रही बहुत गंदे वाली मुझे। अब बता, मैं कह रही हूँ बदबू। अरे बता ना, बदबू आ रही है, छी बहुत गंदी बदबू। अरे क्या क्या है, और नीतू ने भाई दिए आंसर सिर्फ 3 सही, तो नीतू भी हार चुकी है। तो गेम बताना आप लोगों को हमारे वाला आज वाला कैसा लगा। अगर हमारा आज का गेम पसंद आया हो तो आप भी और कमेंट कीजिएगा ऐसे गेम्स और करेंगे। क्या लास्ट वाला क्या था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मैं बताओ आपसे, बहुत गंदी बदबू आ रही थी। तो मैं अभी जिम से आया था ना, तो जो मेरे कपड़ों में जो स्मेल थी वो सुंघाने की कोशिश कर रहा था कि तू बता पाएगी नहीं बता पाएगी। क्या है, तू बता पाएगी नहीं बता पाएगी, वो स्मेल ही तो कराने की कोशिश कर रहा था। देख लो मम्मी, अब क्या देख लो, सूख लो, मैं तो इसने पहले क्या है। ए यार सूखने से। अरे यार गाइस, इनको एक छोटी सी चीज नाक के लगा दी, एक छोटी चीज नहीं पता, मजा आई बेटा इसको, मेरे पसीने की स्मेल नहीं पता इसको, बता। मुझे थोड़े दिन पता था पसीने भी बहुत सूंघा होगा आप खाने के बाद। तो तेरे को मेरे पास, तो तेरे को आपने कहा था खाने की चीजें, तो खाने की चीजों में भी सिर्फ तेरे 3 ही सही आए हैं। मैंने कैमरा पे रिकॉर्डेड है, 3 सही आए हैं कैमरा पे, 3 सही आए हैं कैमरा पे रिकॉर्डेड है, झूठ मत बोल। 4 कैसी थी वैसे ये वाली स्मेल, कैसी थी अपने आप ले लो दोबारा, मेरे को तो मेरी पता ही है, पता चल जाएगा कैसे। तो गाइज ये भी हार चुकी है और मम्मी भी हार चुकी है। ठीक है, तो पैसे तो कोई से को मिलने वाले हैं नहीं, पर हाँ इसको रिवॉर्ड जरूर मिला है आज का। तो कैसा लगा तेरे को तेरा रिवॉर्ड, आप हटा लो इसको। तो गाइज सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हमारी लव मैरिज नहीं हुई है। मैं वैसे पहले बता चुका हूँ आप सबको, भाई हमारी हुई थी अरेंज मैरिज। और अरेंज मैरिज में भी भाई मतलब लोग जैसे बोलते हैं कि नहीं आपकी लव ही हुई है, भाई लव नहीं हुई है, अरेंज इसलिए हुई है क्योंकि नीतू की सिस्टर यहीं पर रहती थी 31 में, तो बहुत से लोगों को लगता है वो मेरे घर के पास रहती थी, तो मेरी लव मैरिज है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरी लव मैरिज नहीं है। मेरे बहुत सारे नॉन वंस को भी ऐसा लगता था कि हमारी लव मैरिज है क्योंकि इनकी सिस्टर यहीं रहती थी, तो ऐसा कुछ नहीं भाई। इनकी सिस्टर की फैमिली को मैं पहले नहीं जानता था, और इन हमारी शादी इवन तो हमारी सगाई के बाद भी मैं इनकी सिस्टर को नहीं जानता था। मैंने इनकी सिस्टर को जाना है हमारी शादी से बस 10-15 दिन पहले ना, क्योंकि 10-15 दिन पहले क्या हुआ गाइस, नीतू आई थी मेरा, मतलब हमारा बर्थडे होता है नवंबर में और हमारी एनिवर्सरी भी नवंबर में होती है, तो नीतू नवंबर में आई हुई थी। नीतू को पता था मेरा बर्थडे, तो नीतू मेरे को गिफ्ट देने के लिए कुछ लेने गई थी मॉल में, तो बाय मतलब लगा लो किस्मत लगा लो बाय चांस लगा लो नीतू मेरे को मिल गई भाई रोड पे ही, मतलब अपनी जीजू वाली गाड़ी में। इसकी सिस्टर थी ये और इसके जीजू थे, ये लोग मॉल जा रहे थे मेरे लिए कुछ लेने, और उसी साइड में से मैं जा रहा था, तो इन्होंने मेरे को देख के हॉर्न दिया, तब मैंने इनको पहली बार देखा, तब मेरे को पता चला ये इनकी सिस्टर है, इनके जीजू है। इन्होंने मेरी गाड़ी देख के पहचान लिया था, जैसे आप लोगों को पता होगा मेरी गाड़ी के पीछे R लिखा हुआ है, तो पहचान ही लेते हैं लोग भाई। फेमस तो मैं पहले से हूँ यूट्यूब पे, तो मैं बाद में हूँ फेमस, तो मैं पहले से हूँ ना, है ना। तो गाइस हमारी थी अरेंज मैरिज, और नीतू के कोई नॉन में थे, हमारे जो नॉन में थे उन्होंने हमारा रिश्ता कराया था, तो प्लीज हमारी लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है। बट हम बहुत खुश है क्योंकि हम ऐसे भी लव मैरिज की तरह ही रहते हैं, मतलब हमारी इतनी लड़ाइयाँ होती है, इतने झगड़े होते हैं, हम फिर भी मतलब एक जैसे, हम दोनों एक टॉम एंड जेरी वाला सिस्टम होता है ना, वही सिस्टम है हमारा, पर फिर भी भाई मस्त है। और भाई मैं आज ये चीज़ बोलता हूँ कि भाई आई एम वेरी वेरी लकी कि मेरे को नीतू जैसी लेडी मिली, वरना हर कोई मेरे को नहीं संभाल पाती। नीतू इज हाँ इसलिए रीजन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई देखो मेरे को ना, मैं मतलब मेरे को थोड़ा सा एंगर इश्यूज इन द सेंस, मतलब मेरे को छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है जो चीज़ मेरे को सही नहीं लगती, बट नीतू उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर लेती ना, तो भाई मेरे को पता है और कोई नहीं कर पाती, इसलिए थैंक यू।
तो गाइस आप लोगों को पता चल गया तो प्लीज अब लोग में या वीडियो मेरी बुराई करते रहते हैं वो तो यार यार देखो हर इंसान की अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव भी होती है ना तो दोनों चीज बतानी पड़ती है ना और मेरा ये नहीं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही बताया और मेरा ये है कि भाई ना अगर जो भी आप दिखा रहे हो व्लॉग में वो रियल दिखाओ रियल दिखाओगे तभी ऑडियंस यार कनेक्ट होगी रियल नहीं दिखाओगे अगर मैं मान लो कुछ भी वैसे डाल दूंगा रियल नहीं दिखाऊंगा तो ऑडियंस को भी लगेगा यार क्या पका रहा है यार तो इसलिए मैं अपनी सारी चीजें रियल दिखाता हूँ तो गाइस ये थी हमारी भाई जो भी चीजें थी मैंने आपको डिस्कस कर ली है तो चलिए मारिए मौज अब आप लोग भी ठीक है ना मार जा ये मारेगी घेवर खा के मौज आप तो खा ही नहीं रहे मैं कम खाता हूँ गाइस हम पूरी सब्जी निपटा दी पूरी और उसके बाद मैं तो खाता ही नहीं ओके ओके